देखो बच्चों, हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ठीक है। इंटीग्रेशन इज जस्ट एंटी डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का क्या है? उल्टा है। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या है? जस्ट एंटी डेरिवेटिव, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप डेरिवेटिव करते हैं किसी फंक्शन का, एक्स टू द पावर 4 का आप डेरिवेटिव करते हैं, तो आप क्या लिखते हैं? 4x³, राइट। या इसकी बजाय मैं आपको बताऊं, 4x³ + 5 का डेरिवेटिव करते हैं तो आप क्या लिखते हैं? 4x³ + 0, ये लिखते हैं बच्चों। अगर आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन होता है 4x³, दिस इज 4x³। आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे 4x³ dx, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन है। जब कभी भी साइन ऑफ इंटीग्रेशन होगा साथ में, दिस इज डिफरेंशियल कॉफिशेंट। dx क्या है? डिफरेंशियल कॉफिशेंट, तो साथ में आप डिफरेंशियल कॉफिशेंट जरूर लिखेंगे। सो बच्चों, इसको अभी मैं आपको इंटीग्रेट करके बताता हूँ कि इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, कैसे आएगा, इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। इस 4 sin को मैं आउट ऑफ साइन, आउट ऑफ इंटीग्रेशन रखता हूँ, और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx। इंटीग्रेशन जब करते हैं तो पावर को एक इंक्रीज कर देते हैं। इंटीग्रेशन जब करते हैं तो पावर वेरिएबल की जो पावर है उसको क्या कर देते हैं? एक इंक्रीज कर देते हैं, जैसे कि x³, 3 को इंक्रीज करेंगे तो x4 हो गया। डिवाइडेड बाई न्यू पावर, जब किसी ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं x³ dx, तो इसकी पावर को एक इंक्रीज कर देते हैं डिवाइडेड बाई न्यू पावर। प्लस में यहाँ पर एक कांस्टेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या होता है? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। परीक्षित आप ये कर लोगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इससे ये कट हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास? x⁴। देखो, ये किस फंक्शन का इंटीग्रेशन था? 4x³ dx का इंटीग्रेशन था। 4x³ dx का इंटीग्रेशन था, राइट। और 4x³ dx का इंटीग्रेशन आपके पास क्या आया? x⁴ + c, मैंने 5 कर दिया यहाँ पर, +c। ठीक है, देखो, आपने इस फंक्शन का डेरिवेटिव किया, x⁴ + 5 का डेरिवेटिव किया, और आपके पास क्या आया? ये फंक्शन। अब आपने इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया, और वापस आपके पास क्या आया? x⁴ + 5। आपने x⁴ + 5 का क्या किया? डिफरेंशिएशन। क्या किया? डिफरेंशिएशन, राइट। तो इसका डिफरेंशिएशन करने से आपके पास क्या आया? 4x³। फिर आपने इसको इंटीग्रेट किया, इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट किया, तो आपके पास क्या आया? देखो यहाँ पर x⁴ + c, x⁴ + 5। दिस सी इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस 5। ये जो बी सी लिखा है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, इसे बोलते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये किस इस 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, राइट। तो एक फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे आप, और वापस अगर, तो ये आएगा, अगर वापस आप उसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो वही ओरिजिनल फंक्शन आ जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर जस्ट अपोजिट ऑफ इच अदर, एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये तो थी एक स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट इंटीग्रेशन। अब हम चलते हैं आगे कि इंटीग्रेशन करते कैसे हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये आपका साइन है, ये क्या है? साइन ऑफ इंटीग्रेशन। किसी भी फंक्शन को, फंक्शन ऑफ द टाइप x⁴ n dx, जब आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, सो इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? देखो, इसका इंटीग्रेशन होगा, या मैं आपको ऐसे समझाऊं कि आपने d/dx ऑफ x⁴ n किया था, तो ये क्या था आपके पास? n(x⁴ n-1). जब आपने डेरिवेटिव किया था तो पावर को आगे लिख दिया था, और पावर को क्या किया था? एक कम। लेकिन जब आप इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ n dx, दिस इंटीग्रेट अगर आप करते हैं तो आप इस पावर को एक इंक्रीज करेंगे, ठीक है, इंक्रीज करेंगे, n+1 हो गया, डिवाइडेड बाई न्यू पावर n+1 + c।
ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ में आप जरूर लिखेंगे, ठीक है। लेकिन ये फार्मूला आपका कब अप्लाई होगा, जब आपका एन क्या है, एन इज नॉट इक्वल टू माइनस। इस फॉर्मूले का अप्लाई करने के लिए आपके पास एन क्या नहीं होना चाहिए, माइनस वन नहीं होना चाहिए। उसके बारे में भी बात करेंगे कि एन माइनस वन क्यों नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने आपको बताया कि एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है। जब कभी भी आपको इसका इंटीग्रेशन करना हो तो पावर को एक इंक्रीज कर दीजिए, डिवाइडेड बाई न्यू पावर प्लस माइनस, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक फंक्शन में इंटीग्रेट करता हूँ एक्स टू द पावर थ्री डी एक्स, सो एक्स टू द पावर थ्री का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स टू द पावर फोर डिवाइडेड बाई फोर प्लस सी। क्या किया इसमें मैंने, पावर को एक इंक्रीज कर दिया एंड डिवाइडेड बाई न्यू पावर, पावर को एक इंक्रीज कर दिया और नई पावर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऐसे आप इंटीग्रेट करो, देखो जरा। एक और फंक्शन मैं आपको देता हूं एक्स टू द पावर फाइव डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, लिखो सभी मेरे साथ साथ लिखो। इसका इंटीग्रेशन होगा पावर को एक हम बढ़ा देंगे डिवाइडेड बाय न्यू पावर प्लस में सी। एक और फंक्शन दे रहा हूं मैं आपको एक्स टू द पावर थ्री बाई टू डी एक्स, आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या करेंगे, आप इसकी पावर को एक इंक्रीज कर देंगे, थ्री बाई टू को इंक्रीज करेंगे आप बाई वन, एक वन बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा फाइव बाई टू, दिस इज फाइव बाई टू डिवाइडेड बाई न्यू पावर दैट इज फाइव बाई टू प्लस सी। इसको आप एक स्टेप सिंप्लीफाई करके लिखें तो 5 बाई टू को आप लिख देंगे 2 बाई फाइव इंटू एक्स टू द पावर 5 बाई टू प्लस सी, राइट। अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि 1 अपॉन एक्स टू द पावर 6 डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, पहले आप इस एक्स टू द पावर 6 को न्यूमरेटर में लिखेंगे, सो ये बन जाएगा एक्स टू द पावर माइनस 6 इंटू डी एक्स, राइट। अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये x टू द पावर माइनस सिक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस सिक्स प्लस वन दैट इज x टू द पावर माइनस फाइव डिवाइडेड बाई माइनस फाइव प्लस, ये इसका इंटीग्रेशन। एक और केस लें हम अगर रूट एक्स डी एक्स, रूट एक्स डी एक्स इसको आपको इंटीग्रेट करना है। सो पहले इस रूट एक्स को आपको पावर की फॉर्म में लिखना है, क्या लिखना है, x की पावर हाफ डी एक्स, क्या लिखना है, x की पावर हाफ डी एक्स। सो x की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होगा, हम वही रूल लगाएंगे, पावर को एक इंक्रीज कर देंगे डिवाइडेड बाय न्यू पावर प्लस सी, सो फाइनल इट इज x टू द पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू, तो थ्री बाई टू रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगा 2 बाई थ्री प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास पोज करो x इंटू रूट एक्स आ जाता है डी एक्स, तो इसे आप कैसे सिंप्लीफाई, देखिए जरा, देखो x इज ये x की पावर 1 है और रूट एक्स क्या होता है x की पावर हाफ डी एक्स, सो फाइनली ये क्या हो गया x की पावर 3 बाई टू, एक्स की पावर 3 बाई टू इंटू डी एक्स। इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करेंगे, पावर को एक इंक्रीज कर देंगे 3 बाई टू में 1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5 बाई टू डिवाइडेड बाई 5 बाई टू प्लस सी। अब आप 5 बाई टू को लिख सकते हैं 2 बाई, दिस इज इक्वल टू 2 बाई 5 एक्स टू द पावर 5 बाई टू प्लस सी, राइट। अगर आपके पास कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है रूट एक्स अपॉन एक्स डी एक्स, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, सिंप्लीफाई करके इसको आप क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू रूट एक्स, रूट एक्स, रूट एक्स को आपको क्या लिखना है, देखो न्यूमरेटर में रूट एक्स है डिवाइडेड बाई एक्स है, तो ये एक्स की पावर क्या है हाफ, नीचे क्या है एक्स डी एक्स, सो क्या लिखेंगे इसको आप, हाफ पावर यहां से कैंसिल हो जाएगी, डिनोमिनेटर में एक्स की पावर क्या बाकी बचेगी हाफ। इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे आप, पहले एक्स को क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में लेके आएंगे एक्स की पावर माइनस हाफ डी एक्स, ठीक है। अब पावर एक इंक्रीज करेंगे तो इसकी पावर हो जाएगी हाफ,
माइनस हाफ में, माइनस हाफ में आप वन ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, वन बाई टू डिवाइडेड बाई न्यू पावर वन बाई टू प्लस सी, जिसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं टू इंटू रूट एक्स, वन बाई टू रेसिप्रोकल हो गया एंड एक्स की पावर हाफ को आप लिख सकते हैं रूट एक्स प्लस सी लाइक दिस। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चों, हमारे कुछ पास कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड, पहले एक बार उनको देख लेते हैं। एक फार्मूला तो मैंने आपको अभी बताया था जैसे देखिए आप लिखिए मेरे साथ साथ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होते हैं, क्या होता है एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन इज दिस। d by dx of x to the power n is this, and बच्चों अगर आप इंटीग्रेशन करते हैं x to the power n का dx तो ये क्या होगा, n x to the power n, this is equal to power को एक इंक्रीज कर देंगे डिवाइडेड बाई न्यू पावर प्लस कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पर याद को याद रखना है बच्चों, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब आपका n क्या नहीं है, माइनस वन, क्योंकि आप देख सकते हैं अगर n माइनस वन हुआ तो डिनोमिनेटर में यहां पर जीरो हो जाएगा, और आप जानते हैं मैथमेटिक्स में कुछ भी हो जाए डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो जाएगा। d by dx of, आपने पढ़ा होगा कि e to the power x, e to the power x का डेरिवेटिव क्या होता है, e to the power x ही रहता है। अगर आप e to the power x का इंटीग्रेशन करते हैं तो बच्चों e टू द पावर x का इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x ही रहेगा, राइट, d बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, सभी बच्चे जानते हैं a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इज a टू द पावर x इन टू लॉग ऑफ a प्लस c, दिस इज ओ माई गॉड ये क्या हो रहा है, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स, अगर ये आप फाइंड कर रहे हैं तो क्या होगा, ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ ए प्लस सी, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चों लॉग एक्स, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ लॉग एक्स क्या होगा बच्चों, log x नहीं सॉरी 1 upon x, इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon x dx, दिस इज इक्वल टू log ऑफ mod x, बच्चों यहां mod जरूर लगाना क्योंकि नेगेटिव नंबर्स के लिए log डिफाइन नहीं होता है, सो log ऑफ x प्लस क्या लिखना आपको यहां पर, ठीक है, सो चार बेसिक फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन जो थे हमारे पास, कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n क्या होगा, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x क्या होगा, e टू द पावर x ही रहेगा, a टू द पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ a, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ x। अब आप ये कह सकते हो कि x की पावर माइनस वन का मतलब क्या था, x की पावर माइनस वन का मीनिंग होता है बच्चों 1 अपॉन x, तो मैंने यहां पर कहा था कि जो फर्स्ट वाले में कि ये फॉर्मूला कब नहीं लगेगा, जब n माइनस वन होगा, यानी कि x की पावर क्या होगी माइनस वन, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो उस केस में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, वन अपॉन एक्स, क्योंकि एक्स की पावर माइनस वन वन अपॉन एक्स ही होता है और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स। उसके बाद थोड़ा सा हम ट्रिग्नोमेट्रिक्स की तरफ मूव करते हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हुआ, नहीं समझ आया, डी बाई डी एक्स ऑफ बच्चों साइन एक्स, बच्चों साइन एक्स का डेरिवेटिव बताओ क्या होता है, कॉस एक्स, कॉस ऑफ एक्स, तो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स क्या होना चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होना चाहिए बच्चों साइन एक्स, ये हो क्या रहा है बोर्ड के साथ, मैजिकल बना हुआ है लिखे हुए, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन होगा साइन, बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, क्या होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, सो बच्चों साइन एक्स का इंटीग्रेशन
साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ कॉस एक्स, और प्लस में क्या लिखना है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लिखना है, इसको मत भूल जाना। साइन कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस कॉस, राइट। चलो आगे, इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, डेरिवेटिव लिख रहे थे हम तो साथ में। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स क्या होता है बच्चों, सीकेंट स्क्वेयर एक्स, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वेयर एक्स क्या होगा, दिस इज इक्वल टू टेन एक्स, ठीक है, प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स बताओ जरा, माइनस ऑफ कॉसिकेंट स्क्वेयर एक्स। सो बच्चों कॉसिकेंट स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉसिकेंट स्क्वेयर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स प्लस माइनस कॉस एक्स स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन। देखो माइनस ऑफ कॉस एक्स स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन करते आप dx, तो क्या आता, cot ऑफ x, ठीक है। इस माइनस को इधर की बजाय इधर लगा दो, ठीक है, इस माइनस को इधर की बजाय उधर लगा दो बच्चों। डी बाई डी एक्स ऑफ secant x, secant x दिस इज secant ऑफ x इंटू टेन ऑफ एक्स, यही होता है। इसलिए बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सीकेंट ऑफ एक्स प्लस सी। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसिकेंट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ यानी कि डेरिवेटिव ऑफ कॉसिकेंट एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स। इसलिए बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स दिस इज इक्वल क्या होगा बच्चों बताओ, माइनस ऑफ कॉसिकेंट एक्स प्लस, ठीक है। तो ये था अबाउट इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, सी हाउ। देखो जरा बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होगा, वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है। सो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर, अच्छा एक बात हो रही, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है बच्चों, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो बच्चों तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव आपने देखा वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर है, और कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, माइनस ऑलमोस्ट दोनों सिमिलर ही हैं, बट एक माइनस का डिफरेंस। सो बच्चों वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे आप, या तो आप इसको लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर आप इसको लिखेंगे माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस, ठीक है, या तो आप उसको लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। एंड बच्चों कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसलिए बच्चों
इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? या तो ये होगा टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर आप इसको क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस, ठीक है? टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, कॉट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों के इंटीग्रेशन को आप क्या लिख सकते हैं, दोनों के इंटीग्रेशन को, सॉरी वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन को आप लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। एंड बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स, सीकेंट इनवर्स एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट इनवर्स एक्स दैट इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। एंड बच्चों डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसिकेंट इनवर्स एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस। इसलिए बच्चों इन दोनों का डेरिवेटिव सेम ही होता है, बस एक माइनस साइन का डिफरेंस है। सो वन अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, इसको आप लिखेंगे, या तो आप इसको लिखेंगे sec इनवर्स एक्स प्लस सी, और आप लिखेंगे इसको माइनस ऑफ cosec इनवर्स एक्स प्लस, करेक्ट? अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कौन सी, 7.1, एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1। क्या करेंगे बच्चों, देखो जरा, पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं, बाकी क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, पहले 7 से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर दिस डी एक्स। देखिए जरा कैसे सिंप्लीफाई करेंगे आप इसको। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आपके पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अंदर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है dx, ये दोनों तो कट हो गए, तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही आसान है, पहले मैंने x ब्रैकेट ओपन किया, एक्स स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, सेकेंड टर्म में एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर है वो दोनों कैंसिल आउट हो गए, राइट? तो फंक्शन बन गया हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल है बच्चे, एक से ज्यादा टर्म्स अगर आपके पास इंटीग्रेशन के लिए लिखी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस में फाइव लाइक दिस, तो इंडिविजुअली सभी का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, बीच में उनके जैसे साइन है वैसे ही साइन रहेंगे, सबका इंटीग्रेशन अलग अलग होगा। सो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसकी पावर को एक इंक्रीज कर देंगे डिवाइडेड बाई न्यू पावर माइनस, अकेला कॉन्स्टेंट जब कभी भी आपके पास हो, अकेला कॉन्स्टेंट जब कभी भी आपके पास हो तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, देखो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो k इंटू एक्स की पावर जीरो, क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं k इंटू एक्स की पावर जीरो, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट बच्चों, अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो, कॉन्स्टेंट अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो किसी भी फंक्शन जिसको आपको इंटीग्रेट करना है उसके साथ कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो कॉन्स्टेंट को इंटीग्रेशन के साइन से आप बाहर लिख दीजिए, अंदर बचेगा आपके पास दिस फंक्शन x टू द पावर जीरो। अब आपको जो अंदर वाला फंक्शन है इसको इंटीग्रेट करना है, x की पावर जीरो का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर इसमें आप एक बढ़ाएंगे जीरो प्लस वन करेंगे तो वन हो जाएगा, नीचे में पावर से डिवाइड करेंगे तो उसमें c, ठीक है, तो फाइनली आपका ये क्या बन गया, दिस इज के एक्स प्लस सी। कहने का मतलब ये है बच्चों जब आपके पास अकेला कॉन्स्टेंट हो और उसको इंटीग्रेट करना हो तो उसके साथ x लग, जब कभी भी आपके पास अकेला कांस्टेंट हो और उसको इंटीग्रेट करना हो तो आप उसके साथ x लिख लीजिए, राइट? अब हमारे पास यहाँ इंडिपेंडेंट कांस्टेंट है दैट इज वन, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वन के जगह आप क्या लिख देंगे, वन इंटू एक्स, वन इंटू एक्स दैट इज x, तो कांस्टेंट का वन का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x प्लस सी, राइट? दैट इज योर फाइनल आंसर, ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 8th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर
प्लस में बी एक्स प्लस सी इन टू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, दिस इज इक्वल। कैसे करें? देखो बच्चों, अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर मोर देन वन टर्म्स आपके पास प्लस या माइनस में हो तो सबका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन, और कांस्टेंट अगर किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो कांस्टेंट एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट का कुछ नहीं होगा, आपका जो वेरिएबल फंक्शन है उसको आपको इंटीग्रेट करना है। यहां पर है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर, तो ए तो इसमें कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में है तो कुछ नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन सॉरी आपको एक्स स्क्वायर का करना है, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस, यहां पर बच्चों बी एक्स, बी एक्स में बी कांस्टेंट है और आपको एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तो फिर से भाई कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है तो एज इट इज रहेगा, एक्स का आप इंटीग्रेशन करेंगे, इसको आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन टू। फिर से सी अगर अकेला कांस्टेंट है, सी इज इंडिपेंडेंट कांस्टेंट, अगर अकेला कांस्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन करते हुए उसके साथ में क्या लग जाएगा एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन आप लिखेंगे सी एक्स प्लस, ऑलरेडी हम सी लिखते हैं कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी लिखते हैं, लेकिन क्वेश्चन में पहले से ही सी आ गया तो आप कुछ और लिख दिए, के लिख दीजिए, ठीक है, कुछ और कांस्टेंट आप डाल सकते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, क्या है नाइन्थ क्वेश्चन देखो जरा, नाइन्थ क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स, इसको आपको इंटीग्रेट करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखिए जरा। सबसे पहले हम टू एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे, टू एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करेंगे तो टू कॉन्स्टेंट है एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन हम किसका करेंगे एक्स स्क्वायर का करेंगे, और एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस ई का डेरिवेटिव भी सेम रहता है और ई का इंटीग्रेशन भी सेम ही रहता है, ई टू द इसलिए ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा ई टू द पावर एक्स प्लस सी। चले आगे देखो जरा, नेक्स्ट बच्चों टेंथ क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 10, रूट ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर डी एक्स। अगर आपके पास कभी कुछ इस टाइप की टर्म आ जाए जिसके ऊपर होल स्क्वायर हो, होल क्यूब हो या कोई भी और पावर हो, तो सबसे पहले बच्चों आपको इस पावर को ओपन करना पड़ेगा। इसको हम कौन से मेथड से ओपन करेंगे, ए माइनस बी होल स्क्वायर से, ए हमारा रूट एक्स है, बी हमारा वन बाई रूट एक्स है, एंड ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से हम इसको ओपन करेंगे। तो ये बनेगा ए स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर वन अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू रूट एक्स इंटू वन बाई रूट एक्स, एंड कंप्लीट का क्या है इंटीग्रेशन, इसलिए आप यहाँ ब्रैकेट यूज कीजिए थ्री एक्स। दिस इज बच्चों रूट एक्स का होल स्क्वायर, रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा एक्स प्लस यहाँ पर वन बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा दैट इज ऑल्सो एक्स, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, सो हमारे पास क्या आएगा माइनस ऑफ टू इंटू डी एक्स। बहुत ईजी, अभी इंटीग्रेशन बहुत सिंपल बन गया है। कैसे करेंगे एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स की पावर को एक इंक्रीज कर देंगे एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई न्यू पावर प्लस में लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होगा, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होगा लॉग ऑफ एक्स, याद रखिए वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग एक्स, और जब भी ये लॉग एक्स लिखेंगे आप एक्स के साथ मोड यूज करेंगे राइट। माइनस टू का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया कि कॉन्स्टेंट अगर इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा उसके साथ में एक्स लग जाएगा टू एक्स प्लस में, ये हो गया आपका फाइनल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 11, वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो बच्चों भी हम वीडियो के एंड में तो ये कहते नहीं है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसलिए आज हम वीडियो के बीच में ही आपको बता देते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। फाइव एक्स स्क्वायर माइनस फोर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, बताइए कैसे करेंगे बच्चों। जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ जाता है नीचे सिंगल टर्म हो, नीचे क्या हो सिंगल टर्म, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म हो, सो देन आप सभी टर्म्स को न्यूमरेटर के जितने भी टर्म्स हैं उन सबको डिनोमिनेटर से सेपरेट डिवाइड करें, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, फाइव एक्स स्क्वायर
अपॉन एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, सभी टर्म्स को क्या कर देना है डिनोमिनेटर से सेपरेटली डिवाइड कर देना है। कोई कंफ्यूजन किसी को? आई थिंक कि किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा, एक्स प्लस फाइव एक्स स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर से कैंसिल कर दीजिए, आ जाएगा वन माइनस, यहां पर आप लिख लीजिए फोर इंटू एक्स टू द पावर माइनस टू, क्योंकि जो नीचे एक्स स्क्वायर है इसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, सो ये क्या बनेगा एक्स टू द पावर माइनस। मैंने आपको बताया था कि इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं तो अगर डिनोमिनेटर में कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है उसकी पावर को ले जाके सिंगल मोनोमियल सिंगल टर्म का पॉलिनोमियल है तो उसको, या कोई नॉन एक्स की कोई पावर है किसी फंक्शन के ऊपर तो उसको क्या लिखना है न्यूमरेटर में। इसके हमने बहुत सारे क्वेश्चन शुरू में बताइए, एक्स का इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू, वेरी गुड, प्लस फाइव इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट के साथ क्या आ जाएगा एक्स आ जाएगा माइनस फोर, यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्स की पावर को एक इंक्रीज कर देंगे तो माइनस टू प्लस वन दैट इज माइनस वन, एक्स की पावर हो जाएगी माइनस वन डिवाइडेड बाई न्यू पावर माइनस वन, प्लस लिखेंगे कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, राइट। देखो जरा अब ये बन गया एक्स स्क्वायर बाई टू, इस टर्म को तो हम कोई चेंज नहीं करेंगे इस टर्म में, प्लस में फाइव ऑफ एक्स इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा बच्चों, दो माइनस कंटिन्यूस है माइनस माइनस, ये क्या बन जाएगा प्लस फोर प्लस फोर इंटू एक्स टू द पावर माइनस वन, आप इसको लिख सकते हो वन अपॉन एक्स, सो ये बनेगा फोर है फोर अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन एक्स क्यू प्लस थ्री एक्स प्लस फोर अपॉन रूट एक्स, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी हम बच्चों वही करेंगे जो पिछले क्वेश्चन में किया था, एक्स क्यूब अपॉन रूट एक्स, सभी के नीचे रूट एक्स को अलग अलग लिखो, और रूट एक्स का मीनिंग क्या होता है रूट एक्स मतलब हाफ एक्स टू द पावर हाफ, सो मैं साथ में इसको क्या लिख देता हूँ एक्स टू द पावर हाफ प्लस थ्री एक्स अपॉन एक्स टू द पावर हाफ प्लस फोर अपॉन एक्स टू द पावर हाफ। आई थिंक सभी बच्चों को ये समझ आया होगा, अगर कोई किसी बच्चे को नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। बच्चों x टू द पावर बेस सेम है, पावर माइनस हो जाएंगी, यहाँ पर बताओ x टू द पावर थ्री में से हाफ माइनस हो गया तो क्या बचेगा टू एंड हाफ बचेगा, और टू एंड हाफ को हम क्या लिखते हैं फाइव बाई टू प्लस थ्री, यहाँ पर x टू द पावर क्या है वन है तो नीचे x टू द पावर हाफ है तो आप इसको लिख सकते हैं x टू द पावर हाफ, डिनोमिनेटर से हाफ पावर कैंसिल हो गई है। चलें आगे, प्लस इसको क्या लिखेंगे फोर एक्स टू द पावर, इसको न्यूमरेटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ दिस डी एक्स, करेक्ट। देखो बच्चों एक्स टू द पावर फाइव बाई टू, एक्स टू द पावर फाइव बाई टू इसका इंटीग्रेशन होगा, पावर एक इंक्रीज कर देंगे, फाइव बाई टू में अगर आप वन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा सेवन बाई टू, सो एक्स की पावर लिखेंगे हम सेवन बाई टू डिवाइडेड बाई न्यू पावर क्या होगी सेवन बाई टू, अगर इस सेवन बाई टू को साथ साथ ही हम रेसिप्रोकल कर दें तो ये बन जाएगा टू बाई सेवन, टू बाई सेवन, सो टू बाई सेवन इंटू एक्स टू द पावर हाफ राइट प्लस थ्री, अच्छा बच्चों एक्स टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन इसमें भी हम वन ऐड करेंगे, हाफ में वन ऐड करेंगे तो क्या हो गया थ्री बाई टू, सो एक्स की पावर क्या लिखी जाएगी एक्स टू द पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई न्यू पावर, और न्यू पावर क्या है बच्चों थ्री बाई टू, इसको रेसिप्रोकल करके लिखेंगे तो ये हो जाएगी टू बाई थ्री राइट प्लस फोर इंटू एक्स टू द पावर माइनस हाफ, माइनस हाफ माइनस हाफ में वन ऐड करेंगे सो इट विल बिकम हाफ, ठीक है एक्स टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय न्यू पावर दैट इज हाफ, हाफ को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, हाफ को क्या कर देंगे रेसिप्रोकल तो हो जाएगा टू बाई वन प्लस में, सो फाइनली बच्चों आंसर क्या आ गया टू बाई सेवन एक्स टू द पावर सेवन बाई टू प्लस थ्री थ्री कैसे हो क्या हो गए कैंसिल, सो दिस इज टू ऑफ एक्स टू द पावर थ्री बाई टू प्लस फोर टू जा क्या बन गया एट, और इसको आप एक्स टू द पावर हाफ या रूट एक्स जो भी लिखना चाहेंगे आपका आंसर आ गया, सो इट वॉज ऑल्सो सिंपल क्वेश्चन,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, देखो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। बच्चों कभी भी आपके पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर टाइप के टर्म्स आ जाएं और डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या हो, ग्रेटर हो किससे, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इक्वल हो तब भी, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर क्या हो ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, हेंस लॉन्ग डिग्री, लॉन्ग डिग्री। तो आपको क्या फॉलो करना है, लॉन्ग डिग्री को फॉलो करना है। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों देखो जरा, इस क्वेश्चन में भी कुछ कुछ ऐसा ही है, न्यूमरेटर की डिग्री ग्रेटर है डिनोमिनेटर की डिग्री स्मॉलर है, तो हम क्या अप्लाई करेंगे इसमें, लॉन्ग डिग्री। ठीक है चलूं मैं आगे, लॉन्ग डिवीजन करते हैं, लॉन्ग डिवीजन साइड में कर लेते हैं बच्चों, रफ में तो बिल्कुल नहीं करना है, अक्सर ऐसा देखा गया है बच्चे रफ में करके आ जाते हैं, रफ में नहीं करना है, दिस इज ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन, ये लॉन्ग डिवीजन क्वेश्चन का ही पार्ट है, मेन पार्ट में ही करना है, रफ में बिल्कुल नहीं करना। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई, ठीक है ये क्वेश्चन की मेन सीट पे ही करना है, रफ सेक्शन में नहीं करना। इसको किससे डिवाइड करना है आपको बच्चों, x माइनस वन से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये x स्क्वायर पे डिवाइड होगा, तो आ जाएगा x क्यूब माइनस x स्क्वायर, ठीक है तो ये माइनस और ये प्लस, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास ये वाली टर्म बचेगी, इसको फिर से नीचे लिखेंगे, अब इसको वन पे डिवाइड कर सकते हैं हम, प्लस वन पे, वन पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, एक्स माइनस वन डिनोमिनेटर हमारा क्या आ गया, राइट। सो अगर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो तो बच्चों आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, राइट, ठीक है dx। अब तो इसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल हो गया है, इसके इंटीग्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर की पावर को एक बढ़ा देंगे, डिवाइडेड बाई थ्री प्लस में x प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x प्लस में क्या लिखना है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब कुछ बच्चे जो स्कूल से पढ़ के आ चुके होंगे वो कुछ सोच रहे होंगे कि सर आपने लॉन्ग डिवीजन क्यों किया है, ये क्वेश्चन तो हम वैसे ही बड़े सिंपल तरीके से आपको समझा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल समझा सकते हैं, अगर किसी बच्चे को आता हो तो वो हमें जरूर समझा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बच्चों से समझना बहुत पसंद करते हैं और हमें बहुत खुशी होती है कि देखो बच्चों को आता है, इसका मतलब बच्चे स्कूल में भी पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, तो स्कूल की क्लास में बिल्कुल आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है, सिर्फ यूट्यूब और ट्यूशन के भरोसे नहीं रहना चाहिए, स्कूल से यही तो हम कह रहे हैं, वही तो हम मैसेज देना चाह रहे हैं बच्चों। देखो बच्चों न्यूमरेटर से आप एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हो फर्स्ट टू टर्म्स में, न्यूमरेटर की फर्स्ट टू टर्म्स से आपको क्या कॉमन लेना है, एक्स स्क्वायर, तो आपके पास यहाँ बचेगा एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन, ठीक है डिवाइडेड बाई क्या है, एक्स माइनस वन, इस क्वेश्चन को मैंने रीस्टार्ट कर दिया है यहाँ से, ठीक है ओ माई गॉड, कुछ बच्चे तो थोड़े ज़्यादा ही पढ़ के आए होते हैं, हालांकि वो स्कूल तो नहीं जाते हैं, पता नहीं पढ़ कहाँ से लेते हैं। यहाँ से x माइनस वन कॉमन ले लीजिए, x माइनस वन कॉमन ले लीजिए, देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वन, x आपने x माइनस वन कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स स्क्वायर और यहाँ बचेगा प्लस वन, ठीक है डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इन टू डी एक्स, ठीक है बच्चों इसको इससे कट कर दीजिए, तो क्या आ गया अब आपके पास, अब ये टर्म आपके पास क्या बन गई, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इन टू डी एक्स, दिस इज एक्स क्यूब बाई थ्री, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस में एक्स प्लस, ठीक है बच्चों आप सेकेंड मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन सेकंड मेथड आपका तभी लगेगा जब, जैसे कि हमारे अरमान सर ने बताया कि अगर रिमाइंडर ना बचे तो, रिमाइंडर अगर बचता है किसी में एग्जैक्टली फैक्टर मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का एक फैक्टर नहीं है तो ये फॉर्मूला जो सेकंड मेथड हमने किया ये नहीं लगेगा, फिर आपको वापस फर्स्ट वाले पे स्विच करना पड़ेगा। जैसे उसी क्वेश्चन को मैं एक सेकेंड के लिए बदल देता हूँ और यहाँ पर वन के जगह मैं फाइव कर देता हूँ, वन के जगह क्या कर देता हूँ फाइव कर देता हूँ, आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखो, ऐसे नहीं वैसे,
देखो जरा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस फाइव, दिस इज डिवाइड आप किससे कर रहे हैं, एक्स माइनस वन से कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा हमारे पास एक्स माइनस फाइव जिसको हम नीचे लिख लेंगे। आप अगर इसको हम वन पे डिवाइड करते हैं तो हमारेगा एक्स माइनस वन, ये माइनस हो गया और ये प्लस में चेंज हो जाएगा, एक्स एक्स ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और यहाँ पर हमारे पास बचेगा माइनस का फोर, ठीक है। और अगर मैं यहाँ प्लस फाइव कर दूँ तो क्या बचेगा बच्चों, फिर तो हमारे पास कुछ थोड़ी बचेगा और वो और क्या बचेगा, सिक्स। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, देखो बच्चों अगर आप नाइन को डिवाइड करते हैं टू से तो टू फोर जाए एट होता है और रिमाइंडर आपके पास पता है। सो आपको आपने क्या किया है, नाइन को टू से डिवाइड किया है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे फोर प्लस कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइड, फोर प्लस कोशेंट टू यानी कि कोशेंट प्लस वन यानी कि रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, नाइन बाई टू यही होता है ना, राइट साइड का आप एलसीएम लेके ऐड करके देखिए राइट साइड नाइन बाई टू है। सेम मेथड से आप इसको लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कोशेंट और कोशेंट कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर इज सिक्स अपॉन डिवाइजर एक्स माइनस वन। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन बच्चों अगर एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है तो फिर आपको ये लॉन्ग डिविजन वाला मेथड ही लगाना पड़ेगा, जो हमने सेकेंड मेथड ट्राई किया था पिछली बार वो इस पर नहीं लगा। तो अरमान बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि अगर कॉस रिमाइंडर बचा तो फिर आपको यही मेथड लगा। तो बच्चों एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस वन का इंटीग्रेशन हो गया एक्स प्लस कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में होता तो एज इट इज रहता। आप ये बताइए मुझे अगर वन अपॉन एक्स होता तो आप इसको इंटीग्रेट कैसे करें, वन अपॉन एक्स होता तो इसका इंटीग्रेशन आप करते लॉग ऑफ, इसका इंटीग्रेशन आप लिखते लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस, बिल्कुल सेम चीज आपको यहाँ लगानी है, कॉन्स्टेंट अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो तो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो एज इट इज रहेगा। सो सिक्स एज इट इज रहेगा बच्चों, और वन अपॉन एक्स माइनस वन का आप इंटीग्रेशन करेंगे जो कि होता है लॉग ऑफ एक्स माइनस वन, लेकिन इसमें मोड जरूर लगा देना, ठीक है, प्लस में क्या लिखेंगे आप, तो ये आपका आ गया इंटीग्रेशन, राइट, समझ आ गए हो गया आई थिंक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन हमारा 14th क्वेश्चन है, देखते हैं 14th क्वेश्चन में क्या है। 14th क्वेश्चन है बच्चों हमारा 1 माइनस एक्स इंटू में रूट एक्स डी एक्स, दो फंक्शन बच्चों मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई में जब दो टर्म होती हैं, दो या दो से ज़्यादा टर्म होती हैं, तो हम नहीं जानते इंटीग्रेशन कैसे होता है, अभी तक हमने एडिटिस नहीं सीखा है कि मल्टीप्लाई में दो टर्म होता है इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो फिर आप ऐसा कीजिए, इन ब्रैकेट्स को क्या करते हैं हम ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा रूट एक्स माइनस एक्स रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये क्या हुआ, इसको आप क्या लिख सकते हैं एक्स टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, माइनस एक्स रूट एक्स को क्या लिखेंगे एक्स की पावर हाफ एक्स इंटू एक्स की एक्स टू द पावर हाफ, जो कि क्या होता है एक्स टू द पावर थ्री बाई टू होता है, तो ये है एक्स टू द पावर थ्री बाई टू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आप सभी जानते हैं एक्स टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन होगा एक्स टू द पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई न्यू पावर, तो न्यू पावर हमारी है थ्री बाई टू, वो रेसिप्रोकल हो जाएगी तो क्या आ जाएगा यहाँ पर टू बाई थ्री आ जाएगा माइनस एक्स टू द पावर थ्री बाई टू, अब एक्स टू द पावर थ्री बाई टू टू थ्री बाई टू में वन ऐड करेंगे सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा फाइव बाई टू, एक्स टू द पावर फाइव बाई टू डिवाइडेड बाई फाइव बाई टू करेंगे, फाइव बाई टू को फिर रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या बन जाएगा टू बाई फाइव प्लस में सी, आपका क्या इंटीग्रेशन बस That is your final answer. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए वीडियो को पॉज करके, आप ट्राई कीजिए इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स थ्री एक्स स्क्वेयर प्लस में टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है, क्वेश्चन यह है हमारा, पहले आप वीडियो पॉज कर दीजिए खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद जो मेरे सॉल्यूशन के साथ आप इसको मैच कीजिए, क्या करेंगे बच्चों देखो जरा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट एक्स क्या है, एक्स की पावर हाफ है, रूट एक्स इज एक्स टू द पावर हाफ,
तो ये बन जाएगा बच्चों 3 × x^5/2 प्लस 2 × x^3/2 प्लस 3 × x^2/2 dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा देखो जरा, 3 × x^5/2 पावर एक इंक्रीज करेंगे तो पावर बन जाएगी 7/2, नई पावर से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडेड बाय 7/2, ये रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगा 2/7, 2 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, दिस इज 2/7, ठीक है। प्लस 2 × दिस इज व्हाट x^3/2 है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x के पावर क्या बन जाएगी 5/2, डिवाइडेड बाय 5/2 करेंगे वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5 प्लस 3, x^2 क्या है हाफ है, पावर बढ़ाएंगे तो कितनी हो जाएगी 3/2 × 2/3 प्लस में c, राइट। तो ये हो गया 6/7, 6/7 x^7/2, दिस इज 4/5 x^5/2 प्लस ये कट हो गया 2 × x^3/2 प्लस, करेक्ट। अब आप अपना आंसर मैच कीजिए, आपका आंसर क्या है, कुछ गलत है तो उसको ठीक कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, 2x-3cos x + e^x dx इसको इंटीग्रेट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, 2 एज इट इज रहेगा, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x^2 माइनस 3, कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, साइन एक्स, वेरी गुड, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस e^x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e^x ही रहता है प्लस में सी, सो दैट वन लाइन का एक लाइन का आंसर था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखो जरा 17th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x dx, राइट। देखो जरा 2 × बच्चों x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x³/3 माइनस 3, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कौन बताएगा, साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स, तो माइनस की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा और क्या हो गया कॉस ऑफ एक्स प्लस 5 मल्टीप्लाई में कांस्टेंट एज इट इज रहता है, उसका कुछ नहीं होता है, डेरिवेटिव में भी ऐसे ही होता था। रूट एक्स का इंटीग्रेशन, रूट एक्स इज व्हाट, क्या है रूट एक्स, एक्स की पावर हाफ, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर एक बढ़ा देंगे डिवाइडेड बाई नई पावर हाफ प्लस 1, सो बच्चों ये क्या बन गया x³/3 डिवाइडेड बाई 3/2, इस 3/2 को हम रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं 2/3, सो 5 × 2/3 आ जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी 3/2 प्लस में सी, बहुत ही उम्दा बेहतरीन है, दिस इज 2/3 x³ प्लस 3 cos x प्लस 10/3 x³/3/2 प्लस सी, करेक्ट। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18, secant x into secant of x plus tan x dx। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो बच्चों मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लीकेशन का इंटीग्रेशन तो हम जानते ही नहीं है, इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये secant x into secant x क्या बन जाएगा, secant² x प्लस आगे मल्टीप्लाई होगा टेंजेंट के साथ तो बनेगा secant x into tangent x dx। बताओ क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, बच्चों secant² x किसका डेरिवेटिव होता है, टेंजेंट का होता है, तो इसका इंटीग्रेशन टेंजेंट होगा, ठीक है। पीछे जो हमने फॉर्मूले लिखे थे आप उसको रेफर कर सकते हो, secant² x का इंटीग्रेशन होगा टेंजेंट x, secant x into tan x इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, क्योंकि ये secant x का डेरिवेटिव होता है इसलिए इसका इंटीग्रेशन क्या होगा secant x + c, ये आपका आंसर आ गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा। देखो बच्चों डिवाइड का भी इंटीग्रेशन हम नहीं जानते हैं इसलिए क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, secant² को लिखेंगे 1/cos² x एंड cosecant² x को लिखेंगे sin² x न्यूमरेटर में, सो बच्चों ये क्या बन गया, आप देखो जरा sin² / cos² क्या होता है बच्चों, tan² x, बहुत ही बढ़िया, tan² x dx। बच्चों इंटीग्रेशन में जहाँ भी आपके पास tan² x आ जाए
101% आपको चेंज करना है इसको सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस वन में। मैंने कहा कि इंटीग्रेशन में कहीं भी आपके पास टेन स्क्वेयर एक्स आ जाए तो इसको चेंज करना है सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस वन में। अब सीकेंट स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों टेन एक्स, टेन एक्स माइनस वन का इंटीग्रेशन होता है बच्चों एक्स और प्लस हम लिखेंगे सी। ठीक है, तो ये याद रखिए कि टेन स्क्वेयर एक्स इंटीग्रेशन में कहीं भी आ जाता है तो उसको आपको चेंज करना है सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस वन में। और बच्चों इसी तरह से अगर आपके पास कहीं भी इंटीग्रेशन में कॉट स्क्वेयर एक्स आ जाता है तो उसको आपको चेंज करना है कॉस एक्स स्क्वेयर एक्स माइनस वन में। ठीक है, कहीं भी आपके पास साइन स्क्वेयर एक्स आ जाता है तो उसको चेंज करना है आपको वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू में। और अगर कहीं भी आपके पास कॉस स्क्वेयर एक्स आ जाता है तो इसको आपको चेंज करना है प्लस कॉस टू एक्स अपॉन टू में। ठीक है बच्चों, इसको आप प्रैक्टिस कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन हमारे रह गए हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। वैसे मेरा तो मन है कि मैं आज ही करवा दूं अगर आप तैयार हों। सो चलो बाकी चीज़ें फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करते हैं फिर बाकी के क्वेश्चन, है ना। ठीक है, इनको अच्छे से याद रखना, बार बार आपको यूज होंगे, फॉर्मूले दो से तीन बार लिख के देखो डेली। ठीक है।